हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं होट वीपीएन अनलिमिटेड एंड फास्ट एप्लीकेशन के बारे में। आप इस वीपीएन को कैसे यूज़ करेंगे, ये वीपीएन कितना सेफ एंड सिक्योर है, और इस वीपीएन को आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, और होट वीपीएन से अगर किसी दूसरी कंट्री के सर्वर से जब आप कनेक्ट होते हैं तो आपका जो डाटा है वो सिक्योर होता है कि नहीं, तो ये सारी जानकारी डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है वीपीएन का यूज कहाँ होता है तो मैं आपको बता दूं। अगर जैसे मान लीजिए आपकी कंट्री में कोई ऐसी वीडियो गेम है या कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो आपकी कंट्री में गवर्नमेंट की तरफ से बैन कर दी गई है, वो उसका यूज़ आप अपनी कंट्री में नहीं कर पाते, तो अगर आप चाहते हैं उसको फिर भी यूज़ करना, तो उसको यूज़ करने के लिए आप वीपीएन की मदद से किसी दूसरी कंट्री के सर्वर से कनेक्ट होके उस वीडियो गेम या एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं वीपीएन की मदद से। तो हॉट वीपीएन अनलिमिटेड एंड फास्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो वहाँ पर मैंने लिंक भी दे रखा हुआ है, वहाँ से भी जाके इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, हॉट वीपीएन को डाउनलोड करने के बाद अगर इसकी प्ले स्टोर पर रेटिंग देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 4.1 की स्टार रेटिंग है और 1 मिलियन से भी ज़्यादा इसके डाउनलोड हो चुके हैं, यानी कि एप्लीकेशन तो काफ़ी फेमस एप्लीकेशन है। इसे डाउनलोड करने के बाद ओपन करते हैं तो काफ़ी इजी सा इसका इंटरफेस है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे देख सकते हैं, इनका प्रीमियम का ही यहाँ पे इंटरफेस ओपन होता है, इसे पहले बैक कर देते हैं और यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। ऊपर यहाँ पे ऑप्टिमल सर्वर का ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ नीचे कनेक्ट का, ये नीचे दोस्तों आपको ऐड दिखेगी, क्योंकि दोस्तों अभी हम इसे फ्री में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ ऐड देखने को मिलेंगी। अगर आपको यहाँ पे ऐड नहीं देखना चाहते तो आपको यहाँ पे जो इनका VIP का सब्सक्रिप्शन है वो परचेज करना होगा। तो अभी हम इसे परचेज नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि कैसे आप किसी दूसरी कंट्री के सर्वर से कनेक्ट हो सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्टिमल सर्वर वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो आपको 3 कंट्री दिए गए हैं, जर्मनी, रशिया, हांगकांग, तो ये तीनों सर्वर फ्री हैं दोस्तों। यहाँ इन कंट्री के सर्वर से अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो तो आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप और भी कंट्रियों के सर्वर से कनेक्ट होना चाहते हो, देख सकते हो यहाँ पे और भी कंट्री दिए गए हैं, तो इनके लिए जो आपको इनका प्रीमियम मेंबरशिप परचेज करना होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप इनकी जो प्रीमियम मेंबरशिप है वो देख सकते हैं। काफी कॉस्टली है दोस्तों, $99.99 एक साल का यहाँ पे आपको देना होगा। लगभग आपको मैं दिखा देता हूँ, परचेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे लगभग 8700 का आपको पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप साल भर का यहाँ पे परचेज कर लेते हो तो यहाँ पे देख सकते हो आपको जो हाई स्पीड इंटरनेट देखने को मिलेगी जिस भी सर्वर से आप कनेक्ट करोगे, और कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगी। 30+ कंट्रियों के सर्वर से जुड़ सकते हैं और जो आप इस एप्लीकेशन को 5 डिवाइस में यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फ्री में सर्वर हमें मिल रहा है उस कंट्री के सर्वर से मैं कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूं। जैसे कि जर्मनी का यहां पे फ्री में दिया हो तो यहां जर्मनी वाले में क्लिक करेंगे, यहां पे ओके करेंगे तो यहां पे आपका जो कनेक्टिंग हो रहा है, तो देख सकते हैं यहां पे जो आपका जर्मनी के सर्वर से कनेक्ट हो चुका है। ऊपर यहां स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं यहां पे जर्मनी कनेक्टेड दिख रहा है, यानी कि आप जर्मनी के सर्वर से कनेक्ट हो चुके हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम फ्री में यूज कर रहे हैं, यहां पे कुछ ऐड बार बार आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों, यहां पे इस एप्लीकेशन में 3 लाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहां पे इनकी जो प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं, यहां पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं कि किस लैंग्वेज में इस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं, काफ़ी लैंग्वेज भी यहाँ पे दी गई हैं। और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस का भी ऑप्शन देखने को मिलता है इस एप्लीकेशन में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस एप्लीकेशन में ये वीपीएन को यूज़ करते टाइम, तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। एप्लीकेशन को शेयर करना चाहते हो तो यहाँ से शेयर भी कर सकते हो। तो आपको पता लग गया होगा कि दोस्तों आप किसी दूसरी कंट्री के सर्वर से कैसे कनेक्ट हो सकते हो और कनेक्ट होकर कैसे कोई भी गेम और एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो जो भी आपकी कंट्री में बैन हो। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीपीएन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।